हेलो बच्चों, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल साइंस की पाठशाला। नवरात्रि में गरबा और डांडिया खेलने के बाद अब एग्जाम सीजन स्टार्ट हो रहा है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो एग्जाम का नाम सुन के ही प्रेशर में आ जाते हैं। आज के इस स्पेशल वीडियो में हम एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट किया जाए, लास्ट मिनट में रिविजन कैसे किया जाए और अपनी हेल्थ का ध्यान कैसे रखा जाए उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे मैं आपको टोटल 10 टिप्स बताने वाला हूँ जिसका यूज करके आप अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को जरूर से लास्ट तक देखना, बिकॉज इससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑब्वियसली हो ही जाएगा। टिप नंबर 1 जो है वो एक टाइम सेविंग टिप है। अब आपको पता है कि एग्जाम के लिए बहुत ही कम टाइम बचा है, तो पूरा चैप्टर आपको रिवाइज करने के लिए मुश्किल से ही टाइम मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हो कि चैप्टर के एंड में जो समरी दी है उसको डायरेक्टली रीड कर सकते हो। मैथ्स की अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे तो आपको समरी के अंदर जो है बहुत सारे फॉर्मूलाज मिल जाएंगे जो उस चैप्टर में यूज में आते हैं। तो वो समरी पार्ट को आप रीड कर लोगे तो आपके फॉर्मूलाज जो है वो डायरेक्टली याद हो जाएंगे। साइंस की टेक्स्ट बुक के पीछे आप देखोगे जहाँ पे समरी सेक्शन होता है वहाँ पे आपको जो है इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस मिल जाएंगे, कुछ फॉर्मूलाज मिल जाएंगे और कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती है जिसके ऐसा यूनिट्स होते हैं वो मिल जाएंगे। तो उस पार्ट को आप डायरेक्टली लर्न कर सकते हो, रीड कर सकते हो। साथ साथ में साइंस की समरी के अंदर आपको कॉन्सेप्ट्स दिए होते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स को अगर आप डायरेक्टली लर्न कर लोगे तो आपको पूरा चैप्टर जो है वो रीड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समरी को रीड करने से बेनिफिट ये होगा कि इससे आपके सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज आपको पता है कि आपकी जो एग्जाम है उसके अंदर 1 मार्क्स का वेटेज बहुत ज्यादा होता है। उसमें फिल इन द ब्लैंक्स होता है, ट्रू फॉल्स होता है, मैच द फॉलोइंग होता है, आंसर इन 1 वर्ड्स और 1 सेंटेंस होता है। तो समरी को रीड करके आप 1 मार्क्स के जो सारे क्वेश्चन है उसको प्रिपेयर इजिली कर सकते हो। नेक्स्ट है टिप नंबर 2 जिसको कहते हैं डिवाइड एंड रूल। आप सोच रहे होंगे कि सर अंग्रेजों के जमाने में कैसे पहुंच गए, लेकिन यहाँ पे मैं टाइम को डिवाइड करने की बात कर रहा हूँ। अगर आपने डिसाइड किया कि आज 8 घंटे तक पढ़ाई करनी है तो आप यहाँ पे उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। जैसे कि आप 10 बजे से लेके दोपहर के 12 बजे तक 2 घंटे आपने पढ़ाई कर ली, फिर 1/2 आवर का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 12:30 से लेके 2:30 बजे तक पढ़ाई कर ली, वापिस से 1/2 आवर का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 3 बजे पढ़ाई स्टार्ट की, 5 बजे तक पढ़ाई खत्म की, फिर आपने 1 आवर का ब्रेक ले लिया, फिर आपने 6 बजे से लेके 8 बजे तक पढ़ाई कर ली। इस तरीके से आपने टोटल इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। इससे फायदा ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से याद रख पाओगे और आपका माइंड जो है वो हमेशा फ्रेश रहेगा, बिकॉज आपने बीच बीच में ब्रेक लेके रखा था। ब्रेक के दौरान आप अपनी फेवरेट एक्टिविटीज को कर सकते हो, लेकिन हाँ क्रिकेट और फुटबॉल खेलने मत चले जाना, उसकी वजह से आपकी बॉडी की जो एनर्जी है वो लूज हो जाएगी, आपका ब्रेन जो है वापिस पढ़ाई करने के लिए जो है कैपेबल नहीं होगा। आप ब्रेक के दौरान म्यूजिक को सुन सकते हो, अपनी फैमिली के साथ बातें कर सकते हो, इससे आपका ब्रेन जो है वो इजीली रिचार्ज हो जाएगा। हाँ, लेकिन कोई भी फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट और फुटबॉल नहीं खेलना है। नेक्स्ट है टिप नंबर 3, एग्जामिनेशन हॉल में जब आपको सुपरवाइजर सप्लीमेंट्री प्रोवाइड करे तो उसकी परमिशन के साथ आप सप्लीमेंट्री के लास्ट पेज पे मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलास को लिख सकते हो, और साथ साथ में साइंस के ऐसा यूनिट लिख दोगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो बच जाएगा। आपको डायरेक्टली जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है न्यूमेरिकल बेस्ड तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला को यूज करके अपना आंसर जो है वो स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है टिप नंबर 4 जो आपको साइंस के एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प करेगी। साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना नेसेसरी नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे डेफिनेटली ड्रॉ कर लेना, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है आपको, क्योंकि पेपर चेकर जो है उसके माइंड में एक आपकी अच्छी इंप्रेशन क्रिएट होगी और आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। डायग्राम से ये बेनिफिट मिलता है कि आपको वो क्वेश्चन में बहुत ही कम लिखना पड़ेगा, बिकॉज आपने कॉन्सेप्ट को जो है वो डायग्राम के फॉर्म में अच्छे से रिप्रेजेंट कर दिया है। और एक और चीज़ याद रखनी है कि डायग्राम को सिर्फ और सिर्फ पेंसिल से ड्रॉ करना है और डायग्राम के ऊपर आप कोई भी शेड मत कर देना। नेक्स्ट है टिप नंबर 5, ये टिप को आप साइंस और एसएस में यूज कर सकते हो। आपको हमेशा आंसर्स जो है वो पॉइंट वाइज लिखने हैं। अगर आप आंसर पैराग्राफ में लिखोगे तो आपके मार्क्स साइंस और एसएस में डेफिनेटली कट हो जाएंगे। हाँ, लेकिन आप इंग्लिश में आंसर्स जो है वो हमेशा पैराग्राफ के फॉर्म में ही लिखना। नेक्स्ट है टिप नंबर 6 जो आपके हेल्थ के रिगार्डिंग है। एग्जाम के दौरान आपको कभी भी जंक फूड नहीं खाना है, बिकॉज अगर आपने गलती से भी जंक फूड खा लिया
तो आप डेफिनेटली बीमार पड़ जाओगे और उसकी वजह से आपकी एग्जाम जो है वो खराब जाएगी। इसलिए जंक फूड को हमेशा एग्जाम के दौरान अवॉइड करना है और सिर्फ घर का ही खाना आपको खाना है। साथ साथ में आपकी स्लीप साइकिल भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम के दौरान मिनिमम 7 आवर्स तक ब्रेन को और बॉडी को रेस्ट पे रखना है। नेक्स्ट है टिप नंबर 7, आपको पढ़ाई करते वक्त मल्टीटास्किंग नहीं करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को ऑब्जर्व किया है कि वो म्यूजिक सुनते सुनते पढ़ाई करते हैं, कुछ बच्चे जो है वो सोशल मीडिया का यूज करते करते पढ़ाई करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि आपका माइंड हमेशा डाइवर्ट हो जाएगा और आप कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से याद नहीं रख पाओगे। इसलिए ये मल्टीटास्किंग को हमेशा पढ़ाई के दौरान अवॉइड करना है। नेक्स्ट है टिप नंबर 9, पढ़ाई हमेशा पीसफुल एनवायरनमेंट में करनी है। मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के छोटे भाई बहन होते हैं जो कंटिन्यूसली उनको एग्जाम के दौरान डिस्टर्ब करते रहते हैं, तो आपको हमेशा जो लोग डिस्टर्ब करते हैं उनसे हमेशा दूर रहना है। और साथ साथ में आपको अपने पेरेंट्स के साथ बात करनी है कि जब आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे। तो एक्चुअल में ये जो है पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि किसी भी स्टूडेंट को जो है पीसफुल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आप अपने पेरेंट्स से डायरेक्टली बात कर सकते हो, बिकॉज आपकी जो स्टडी है वो अभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रही है। नेक्स्ट है टिप नंबर 9, आप इंटरनेट पे जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हो। इससे आपको आइडिया आ जाएगा कि आपकी जो एग्जाम होने वाली है उसमें कौन से पर्टिकुलर चैप्टर में से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होगा कि आप वो पर्टिकुलर चैप्टर का अच्छे से रिविजन कर पाओगे। इसलिए आप इंटरनेट पे जाके पेपर्स को देख सकते हो। टिप नंबर 10 सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप है। अभी तक मैंने आपको जितने भी टिप्स दी है उसको फॉलो करना है। अगर आप ये टिप्स को फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपको एग्जाम में प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपको अच्छे ग्रेड्स लाने हैं तो मैंने जितनी भी टिप्स प्रोवाइड की है उसको डेफिनेटली फॉलो करना और डेफिनेटली आपके जो है बहुत ही अच्छे मार्क्स अपनी एग्जाम में आ जाएंगे। अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता तो उसके लिए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करना। उसके लिए आप स्पेस रख सकते हो, जब बाद में आपको टाइम मिल जाएगा तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करना। और हाँ, साथ में सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसको पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ ही अटेम्प्ट करना है, ठीक है? बिल्कुल भी नेगेटिव माइंड में मत चले जाना। एग्जाम के दौरान बिल्कुल भी नर्वस होने की जरूरत नहीं है। आई होप आप ये सारी टिप्स को फॉलो करोगे और अपना बेस्ट रिजल्ट एग्जाम में लाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसको शेयर कर देना। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।